हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई अभी जो वीडियो है ना, मैं छतरी लेके बना रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है दिल्ली में बहुत ज्यादा तेज। और अभी जो है टोयोटा और मारुति का जो टाइप हुआ है, मुझे लग रहा है कि भाई टोयोटा ने ना गलती कर दी। ब्रीजा और अर्बन क्रूजर हो, ग्लांजा या बलिनो हो, आप देख सकते हो मारुति की जो सेल है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों की टोयोटा में बिल्कुल भी सेल नहीं है। भाई ये है मारुति की इनविक्टो। लुक की बात करोगे तो भाई फ्रंट लुक में देखो, यहाँ पे इसके LEDs जो है वो DRLs हैं, अलग अलग हेडलैम्प्स ये हैं, LED सेटअप में आता है, हाई बीम लो बीम दोनों हैं। यहाँ पे इसके ये इंडिकेटर्स हैं जो नीचे आते हैं, फॉग लैंप इसमें नहीं आता है। और तो भाई ये है इसका फ्रंट लुक, आप देख सकते हो मारुति ने पूरी कोशिश की है कि अपनी जो ग्रिल है सिग्नेचर ग्रिल अपना लुक देने को। तो भाई आप एक ग्रिल देख सकते हो मारुति वाली है, बाकी इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता क्योंकि ये डेल्टा वर्जन है। और भाई 26 लाख रुपए से स्टार्ट होती है यार। और अगर टॉप मॉडल की बात करोगे तो मारुति की जो ये है इनविक्टो वो 1 लाख रुपए सस्ती है हाई क्रॉस से। तो अब देखते हैं क्या होता है इसका, क्या नहीं होता। तो और थोड़ा सा ये स्कूप्स वगैरह जो बाहर निकले हुए ना, ये काफी ज्यादा अमेजिंग, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो स्पोर्टी सा लुक दे रहे हैं ये देखो। तो भाई ओवरऑल ये गाड़ी की मैं बात करूंगा तो मुझे तो ये फ्रंट से भी और बैक से भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छी लग रही है। देखो ये तो सब्जेक्टिव हो सकता है, हर किसी की अपनी अलग अलग चॉइस हो सकती है। ये देखो बाकी साइड्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, कर्व्स वगैरह सेम ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट अलॉय व्हील का चेंज है कि भाई इसमें थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं मुझे, अगर आप उसकी बात करोगे तो उसमें थोड़ा सा सिमिलर से, मतलब थोड़ा सिंपल से अलॉय व्हील्स आते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे 215/60R17 इंचेस का इसका अलॉय व्हील है। और इसका ओवरऑल लुक अगर आप देखना चाहते हो, ये इसका ओवरऑल लुक है। और भाई साइड में ही इसके ORVMs हैं जिसमें इंडिकेटर भी यहीं पर ही आता है। आपको चाबी देख के लगेगा नहीं कि मारुति की गाड़ी है। तो ये भाई लॉक कर दिया। अब अगर मैं इसको की को जेब में रखूंगा और उसके बाद खोलने की कोशिश करूंगा तो खुल जाएगी, इसमें सिर्फ कोई सेंसर नहीं है, जे गाड़ी खुल जाएगी। और इसमें बहुत अच्छी बात, जो सीट है वो एडजस्ट हो जाती है, इसकी हाइट भी देखो, हाइट भी एडजस्ट होती है और ऑफकोर्स बैक सपोर्ट भी एडजस्ट हो ही जाता है। दूसरी एक चीज़ रेयर सीट की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको आगे पीछे करना है ना आपने, तो इसको होल्ड किया और ये स्लाइड कर दी तो ये इस तरीके से आगे पीछे स्लाइड हो जाती है। बाकी कर्टन वगैरह तो उसमें साथ में आते ही हैं, बहुत अच्छी बात है, कंपनी का कर्टन दे रही है अपने साथ, जो कि हाई क्रॉस में भी आता है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। रियर व्यू आप देखो भाई, स्पॉइलर है, स्पॉइलर के बाद यहाँ पे लाइट दी हुई है, स्टॉप पॉइंट लाइट। और यहाँ पर ये देखो जो चेंज है ना, वो LED सेटअप दे दिया यहाँ पे, तो ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मतलब अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे हाई क्रॉस में उसमें डिफरेंस, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका ये यूनिट है। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट है और यहाँ पे दो लाइट्स दी हुई है, सुजुकी का लोगो है और हाइब्रिड का बैजिंग है और यहाँ पे नेक्सा का बैजिंग दिया हुआ है। तो इसका ओवरऑल लुक की अगर आप बात करोगे तो ये देखो भाई, ये रहा ओवरऑल लुक। कैमरा दिखा दूँ, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर है और डिसेंट जो है वो इसकी क्वालिटी है। ये देखो भाई बूट स्पेस देखो, और यहाँ पे देखो लाइट भी दी हुई है और इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे यहाँ से ओपन होता है। अब मेरे एक हाथ में छतरी है, रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से इसका स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा सा और भी आप रख सकते हो। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो भाई नीचे से नीचे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर है। और इसको ओपन अगर करना चाहते हो उसको खोलने के लिए, तो भाई इसके नीचे है देखो, ये रहा, ये यहाँ से इसके ऊपर कर सकते हो, ये हटाएगा और उसके बाद आप कर सकते हो। बाकी जो टूल्स वगैरह है वो यहाँ दिए हुए हैं साइड में और ये अच्छा खासा स्पेस है। बाकी ये पूरी की पूरी स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट होने के बाद काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ये बन जाएगा। तो फिलहाल इसको बंद करता हूँ और आगे से आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। तो भाई गाड़ी के अंदर हम लोग आ गए हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल है, कम्प्लीटली डिजिटल, एक्जैक्टली सेम है जैसा कि हाई क्रॉस में आपने देखा था। बाकी देखिए गोल्डन फिनिश जो है काफी अच्छा सा लग रहा है, काफी प्यारा सा लग रहा है। ये डोर्स के अंदर भी गोल्डन फिनिश है, ब्लैक प्लास्टिक है, ये थोड़ा सा लेदर है और काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। मतलब एक्जैक्टली सेम सही है जैसा उसमें था ना हाई क्रॉस में, आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोज में उसी तरीके का। बाकी यहाँ पे स्पेस, मतलब प्रैक्टिकलिटी की बात करोगे तो ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है, बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आता ही है इसमें गाड़ी में, ऑटोमेटिक ये है। तो पार्किंग मतलब स्विच वगैरह देखिए, ऑटो होल्ड वगैरह करना है और ब्रेक जो है इसका पाक है वो यहाँ पर है। बाकी कप होल्डर्स देखिए कितने बड़े हैं इसके अंदर भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो आप आराम से अपना कप या बॉटल भी आराम से रख सकते हो। बाकी सी टाइप और जो पुराना USB आता है वो दोनों के दोनों दिए हुए हैं। बाकी AC के लिए जो है मतलब ठीक है, अच्छा खासा डिसेंट वो है, पैडल शिफ्टर्स इसके अंदर आते ही हैं। स्टेयरिंग की बात करेंगे, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही होता है और बाकी सब कुछ और है यार, सब कुछ दिया हुआ है। बाकी ये जेटा मॉडल है तो भाई सनरूफ इसके अंदर है नहीं, बाकी इसके अंदर सिर्फ मेरे को नहीं पता अभी सनरूफ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा मॉडल जब इसमें अल्फा आएगा तब इसमें जाके देखेंगे कि अल्फा में सनरूफ देते हैं नहीं देते। बाकी भाई IRVM देखो यार, मैनुअली एडजस्ट होता है यार, इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी मैनुअली एडजस्ट हो रहा है IRVM। बाकी देखो SOS का बटन, आप बेसिकली एक चीज़ समझ लो, ये इनोवा हाई क्रॉस ही है बस,
मोटी मोटी बात यह है कि भाई लोगो और थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने इसको इनविक्टो बना दिया है। जैसा कि उन्होंने जैसे इनकी बलिनो को उन्होंने ग्लैंजा बनाया था, इनकी ब्रीजा को उन्होंने अर्बन क्रूजर बनाया था, तो इसी तरीके से उन्होंने इनकी हाई क्रॉस को इन्होंने जो है वो इनविक्टो बना दिया है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है सबको साथ, बाकी स्पीकर वगैरह क्वालिटी अच्छी है। बाकी मैंने इसको चलाया था वो अगर वीडियो आपको देखनी आए बटन में डाल दूंगा, और बाकी इसकी कुशनिंग वगैरह अच्छी है बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल सिमिलर लग रही है, एग्जैक्टली सेम लग रही है। चलो अब एक काम करते हैं, पीछे चल के और बाकी सारी चीजें दिखाते हैं। सर कंफर्ट में आपको बताता हूँ किस तरीके से आता है। तो भाई पीछे डोर खोलने के लिए यहाँ से निकलेंगे और देखो कितना स्पेस है यार, स्पेस के मामले में ना बहुत ही जबरदस्त है यार ये गाड़ी। देखो भाई मैंने जो आगे वाली सीट है ना काफी पीछे की हुई है, एक बार इसको बंद कर देता हूँ मैं, ऑफ करता हूँ कि आवाज आ रही है। देखो मैंने पीछे की हुई है सीट, उसके बाद भी देखो भाई आराम से भाई खेल कूद, मेरे को लग रहा है क्रिकेट खेल लेंगे भाई इसमें तो जोक कर रहा हूँ यार, बट स्टिल आप देखो ना कितना स्पेस है यार। और क्योंकि ये दोनों ये कैप्टन सीट्स है, कैप्टन सीट्स के बाद क्या होता है कि स्लाइड हो जाती है, तो स्लाइड होने के बाद भी देखो मेरी पूरी पीछे, उसके बाद भी देखो इतना स्पेस है, तो बच्चे तो आराम से आ सकते हैं। और अगर मैं इसको आगे करना चाहूंगा भाई ये मैं आगे किया और देखो पूरा आगे, ये अब मेरा पूरा आगे चला गया, ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया और मेरे घुटने देखो अभी भी नहीं लग रहे हैं, काफी ज्यादा लग रूम है। और यहाँ देखो पीछे का रूम देखो भाई साहब, रूम है भाई रूम, जबरदस्त कुछ भी कहो, स्पेस बहुत है यार इस गाड़ी के अंदर। बाकी देखो ये जो इसके लाइट है इसके अंदर की वो काफी ज्यादा डिम है, रात में हो सकता है ज्यादा चमके, बट ये वैसे जनरली बहुत डिम है। जो उसकी गाड़ी जो थी दूसरी हाई क्रॉस थी उसमें तो और भी ज्यादा डिम थी मुझे लग रही थी, बट ये 3 levels में आप सेट कर सकते हो इसको। देखो यहाँ से ये सेट कर सकते हो, बटन दिया हुआ है और देखो ये बंद, ये 1, 2, 3 और ये बंद हो जाएगी, बंद हो गई और ये जल गई, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिकलिटी देखो, यहाँ पे वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर बीच में नहीं दिए हैं, और लाइट्स वगैरह जो है वो दोनों यहाँ पर दी हुई हैं। वापस पीछे करते हैं और देखो स्पेस वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छा है। देखो अगर यहाँ पे बॉटल रखोगे ना आप तो आराम से यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका हाथ फंसेगा, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। बाकी AC पीछे के वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे है, वो भी ऑटोमेटिक है पूरा, ये आपने ऑन किया तो ये ऑन हो जाएंगे और ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएंगे। बाकी ऑटो है, ऑटो अगर आपको एडजस्ट करना है, और इसके फैन की स्पीड वगैरह आप यहाँ से बड़ा और कम कर सकते हो। जैसे मैंने फैन की अभी AC ऑन नहीं है, फिर भी देखो काफी अच्छी एयर आने लग गई है, अभी से काफी अच्छा एयर दे रहा है, फ्लो काफी तेज है, ठीक है भाई। अब चलते हैं पीछे की सीट में, पीछे की सीट के लिए 2 तरीके से है। ये देखो ये पार्सल ट्रे जो दिया हुआ है इसको या तो आप यूं नीचे कर दो, यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इसको ऊपर कर दो। और यहाँ पे काफी अच्छा है, मजबूत है काफी, तो ऐसा नहीं कि टूटेगा देखो, ठीक है। अब इसको एक बार नीचे करके फिर मैं अंदर चल के पीछे दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, स्पीड को कम ही कर देते हैं, तो भाई अंदर चलते हैं। तो भाई ये है इसके पीछे का, आगे हूँ मैं, मेरे को पीछे आने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आगे थोड़ा सा आगे करी हुई है, पर अगर मेरे को पीछे करना है तो मैं इसको पीछे भी कर सकता हूँ, और मैं पीछे कर दी उसके बाद देखो लग रूम है। और थाई सपोर्ट, हालांकि थाई सपोर्ट थोड़ा सही है, अगर मैं पैर उठा के रखूंगा तो थोड़ा कम होगा, नीचे कर लूंगा तो देखो थाई सपोर्ट बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 5'7" मेरी हाइट है, मुझे लग रहा है मोस्ट जो है ना ये सबसे ज्यादा जो है स्पेशियस थर्ड रो वाली गाड़ी बन सकती है भाई, ये मेरे को लग रहा है इसमें सबसे ज्यादा स्पेस है। और बाकी एक चीज और बताऊँ आपको, रिक्लाइनिंग एंगल भी इसमें एडजस्ट होते हैं भाई, ये देखो कितना पीछे चले गए, अब देखो कितना आराम से बैठो, ये बहुत ही कंफर्टेबल है यार, इससे ज्यादा कंफर्टेबल 7 मतलब थर्ड रो जो है ना इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है किसी की, मेरे हिसाब से तो भाई किसी की नहीं है, जितने भी बैठा हूं मैं बड़ी से बड़ी गाड़ियों में बैठा हूं इससे ज्यादा कंफर्टेबल थर्ड रो नहीं है अभी करंटली जितने भी गाड़ियां चल रही हैं। देखो देखो कितना ज्यादा रिक्लाइनिंग एंगल हो गया है। और सबसे अच्छी बात ये भाई बीच वाले को भी आपको हेड रेस्ट है और ये भी एडजस्ट हो जाता है बहुत आराम से। इसको आगे करते हैं, पीछे बताते हैं बस। और भाई बाकी प्रैक्टिकलिटी, स्पेस देखो, यहाँ देखो यहाँ पे भी 2-2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है सामान रखने के लिए, और बाकी ऐसे कोई बाकी स्पेस नहीं है, बट लेकिन देखिए कितना सारा स्पेस है। यहाँ पे जो है USB चार्जर नहीं है, बट लेकिन 12 वॉट का सॉकेट दिया हुआ है, आप इसमें यहाँ से अपना लगवा के चार्ज कर सकते हो। स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, आप मतलब छोटा मोटा सामान रख सकते हो, छोटा सा कप भी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगा कप और बॉटल भी आ जाएगी। भाई बारिश तेज हो गई है, और देखिए 3 पॉइंट भाई बेल्ट दी हुई है, ये मिडल वाले के लिए, ये लेफ्ट वाले के लिए, राइट वाले के लिए, तो बंदे 3 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि ये जो है आगे वाली कैप्टन सीट्स हैं। 3 लोग हालांकि आ जाएंगे यार, 3 लोग भी छोटे तो आ ही जाएंगे, देख रहे हो स्पेस देखो यार, ये देखो मैं सबसे कोने में बैठा हूँ, उसके बाद मेरा हाथ देखो कहाँ पहुंच रहा है, मतलब 1 बच्चा 2 एडल्ट आ जाएंगे बहुत आराम से, 3 लोग बहुत ही प्यार से आराम से आ जाएंगे। बाकी देखो आमरस देखो क्या प्यारा है यार, इसका आमरस देखो साइड में खुलता है और अच्छा खासा स्पेस ऑफर करता है आपको भाई, ये बहुत ही ज्यादा डीप है, देखो कितना डीप है, मेरा हाथ कितना अंदर चला गया, जबरदस्त। तो ये था भाई वीडियो मारुति की सबसे महंगी गाड़ी का,
जो है इनविक्टो, तो भाई देखते हैं कैसी सेल करती है ये टोयोटा की जो हाई क्रॉस ज्यादा करती है नहीं करती, मेरे हिसाब से तो करेगी। आप बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, टोयोटा के और मारुति के जो सेटअप है इनका जो टाई अप है उसके बारे में क्या विचार है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी की वीडियो में, बाय बाय।